हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। सेल में रिक्रूटमेंट निकला है। सो सेल मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट आप विजिट भी कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 ऑन सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड का 6 पोस्ट निकला है एंड पे स्केल इज फ्रॉम 50,000 टू 1,60,000, ठीक है ना। तो इसमें अच्छा चीज़ ये है कि देर आर अनरिजर्व 5 कैंडिडेट, आउट ऑफ 6 5 आर अनरिजर्व, ठीक है ना। फिर E3 ग्रेड पे निकला है, तो ये E3 ग्रेड वाला जो है दैट इज फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ये इसमें तो आप सीधा फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए यू रिक्वायर एक्सपीरियंस, है ना। वो आगे डिटेल दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें अनरिजर्व तो कोई नहीं है, सारे जो सीट्स हैं वो रिजर्व के लिए ही हैं, ठीक है। फिर मेडिकल ऑफिसर का है, तो इससे तो अपना लेना देना है नहीं। कंसल्टेंट का है, ठीक है ना। हाँ, ये भी निकला है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, राइट। इसका 73 वैकेंसी निकला है। मैकेनिकल के लिए आपका 20 वैकेंसी है, ठीक है। सेम चीज, अटेंडेंट कम ट्रेनिंग, ऑपरेटर कम, इसका 13 वैकेंसी निकला, ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस, ठीक है ना, लोअर ग्रेड पे। ठीक है, ये रिजर्वेशन का नॉर्मल क्राइटेरिया है, SC ST OBC, है ना, और नॉन क्रीमी लेयर का। अब देखो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो असिस्टेंट मैनेजर वाला पोस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, अपर एज लिमिट्स 30 है। तो जो कैंडिडेट्स काफ़ी लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सही ऑप्शन है। सो BE BTEC आपको फुल टाइम चाहिए इन मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो या पावर प्लांट हो या प्रोडक्शन हो, फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 65% मार्क्स। तो अनरिजर्व के लिए 65% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। जो मैनेजर वाला पोस्ट है, मैंने पहले ही बताया था, वो तो आपको फुल टाइम डिग्री तो चाहिए चाहिए, एटलीस्ट 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, और जिस इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट हो रहा है उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री में। और यहाँ पर एज लिमिट भी रिलैक्स किया, 35 ईयर्स किया है, ठीक है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें देखो एज लिमिट 28 ईयर्स का दिया है, और यहाँ यहाँ क्या है, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा, ठीक है ना। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो एक्सेल मोस्टली अच्छा, ये तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो ग्रेड निकला है उसके लिए है। 50,000 ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर प्रोबेशन दे शैल बी प्लेस एट E1 ग्रेड, जिसका पे स्केल ये होगा 60,000। तो सैलरी तो इसका अच्छा है। अभी देखते हैं इसका एग्जाम का प्रोसेस क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो जो E1 पोस्ट के लिए है असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर के लिए पोस्ट है वो ये है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो हम लोगों ने अभी देखा था, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज फॉर द इंटरव्यू स्किल सेट ट्रेड टेस्ट इन द रेशियो 1:3, मतलब 1:3 के रेशियो में ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स का। तो आपको इनका अपना जो टेस्ट है वो देना है, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो E3 मैनेजर का पोस्ट है, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू PI, पर्सनल इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बाई कंबाइनिंग द स्कोर ऑफ CBT एंड इंटरव्यू और 80-20,
मतलब रिटर्न का ही ज्यादा वेटेज है, 20% ही इंटरव्यू का वेटेज है। ना ये बता रहे हैं कि एक मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट करेंगे आपके रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया है E3 और असिस्टेंट मैनेजर वाले पोस्ट के लिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ठीक है ना। इन्होंने मिनिमम हाइट और वेट का क्राइटेरिया दिया है, ठीक है ना। अगर वेट कम है तो भैया वेट वेट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा हुआ अपर लिमिट नहीं दिया है, कुछ लोग हमारे जैसे होते बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल वही CBT है और इंटरव्यू है, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन है। फॉर्म का फीस कितना है? असिस्टेंट मैनेजर वाले पोस्ट के लिए देखो 700 रुपीज़ है, और SC ST बाकी के लिए 200 रुपये है, सॉरी 200 रुपीज़। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे जाके। देर इज नो अदर मीन्स एंड मोड ऑफ अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, किसी भी और तरीके से जो अप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बाकी डॉक्यूमेंट है E3 ग्रेड के लिए, आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस वगैरह सब सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लो किस ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई पैसा वैसा नहीं देने वाले, इंटरव्यू और आपका जो CBT होगा उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। स्टार्ट डेट क्या है? 20/12 और क्लोजिंग डेट है 10th of January, ठीक है ना। तो CBT प्लस इंटरव्यू किस रेशियो में? 80-20। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी जो जॉब नोटिफिकेशन आया है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, December 21st से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 24 के लिए उड़ान बैच एंड 25 के लिए बुनियाद बैच, राइट। IRMS के लिए भी बैच आ रहा है, अवेलेबल है, ठीक है ना। आप ज्वाइन कर सकते हैं, 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। टेक और नॉन टेक जो अनअकैडमी का टीम है वो मिला के लॉन्च कर रहे हैं। फॉर प्राइस यू कैन रेफर टू दिस स्लाइड एंड यू कैन यूज कोड JSGLIFE। टू गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। ऑल इंडिया मॉक जो है, ऑल इंडिया मॉक इज ऑन 18th, ठीक है। आप इसमें अपना ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हो। यू विल गेट डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू इनरोल इन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विच इज टू बी हेल्ड टुमारो, दैट इज 18th of December। बाय बाय, टेक केयर।